तो गाइज आज अपने इंडिया सर्वर में MP40 की न्यूज़ स्किन ट्यून्स ऑफ आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन गाइज अब जल्दी अपने EVM10 का भी नंबर लगने वाला है रिटर्न के लिए। तो बहुत बंदे कह रहे थे कि अपने इंडिया सर्वर में EVM10 गन स्किन कब रिटर्न आने वाली है, उसकी कन्फर्म रिटर्न डेट बता दो। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको EVM10 गन स्किन की रिटर्न कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ, एंड साथ में गाइज फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू इवेंट एंड अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस आपको बताया तो अपने नेक्स्ट वीपन रोल में कौन सी गन स्किन आने वाली, क्योंकि फिलहाल जो वीपन रोल चल रहा है वो 4 या 5 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको एकदम न्यू एंड फ्रेश गन स्किन देखने को मिलेगी अपनी चार्ज बस्टर की, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको डबल एक्यूरेसी देखने को मिलेगी एंड इसमें सिंगल रेट ऑफ फायर बढ़ चुका है और सिंगल रिलोड स्पीड जो है घट चुकी है, ठीक है। और इसका नाम होने वाला लावा लुस्तरे कुछ ऐसे करके, भाई मज़ा नहीं आया ना ही नाम में ना ही स्किन में, ठीक है, मुझे तो बकवास लगी। चलो छोड़ो गाइज, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जैसे अपना रेड क्रिमल रिटर्न आया, तो सेम गाइज यहाँ पे बाकी के जो क्रिमल बंडल हैं येलो पर्पल ब्लू ये भी रिटर्न आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो इनका जो इवेंट का इंटरफेस है वो निकल के आ चुका है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ग्रो क्रिमल करके एक वेब इवेंट होगा जिसमें तीनों क्रिमल बंडल आपको रिटर्न में देखने को मिलेंगे, और इनको निकालने के लिए आपके डायमंड तो खर्च होंगे, लेकिन डायमंड से पहले आपको टोकन खरीदने होंगे। मतलब टोकन्स आपके लग बेस्ड निकलेंगे, कितने डायमंड में कितने टोकन निकलते हैं उसके हिसाब से जो टोकन के हिसाब का बंडल होगा वो आपको रिडीम करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो इवेंट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, तीन बंडल हैं पे साइड में ब्लू येलो पर्पल, एंड उनके नीचे फिर कॉइन्स होंगे मतलब टोकन्स, और अलग अलग टोकन्स होंगे, ठीक है। तो जितने टोकन आपके पास हो जाते हैं जो सा बंडल आप निकालना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बंडल को रिडीम कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा सीन होने वाला है भाई अपने इन क्रिमिनल बंडल का, तो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, सारे क्रिमिनल बंडल रिटर्न आ जाएंगे, वैल्यू किसकी रहेगी अब, ठीक है। रेड क्रिमिनल तो कब का खत्म, बाय बाय टाटा हो गया, उसी के लिए तो हैशटैग जस्टिफाइड सर्वर चल रहा है, और दूसरा रीज़न था अपना जो इंडिपेंडेंट डे को लेके था, ठीक है। तो भाई हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर चलता रहना चाहिए, मैं तो भाई फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स भरी देना जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर से। और नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहे गए अपने फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट थीम इवेंट्स की तरफ से। जैसे कि आपने देखे होंगे फ्री फायर में कुछ थीम इवेंट्स आते रहते हैं, जैसे अभी जल्दी में आया था बर्निंग लिली, तो सेम गाइज यहाँ पे एक और नया थीम इवेंट चलने वाला है जिसका नाम है लेक स्पिरिट्स। और इसमें जो है ना गाइज आइटम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यार इस थीम का मेल बंडल देख लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे तो, मतलब एकदम स्मार्ट सा भाई बंडल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात इस थीम पे जो आइटम्स है ना वो भाई ब्लू स्काई ब्लू कलर के हैं, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब स्काई ब्लू जो कलर है ना भाई ज़्यादातर बंदों को पसंद होता है, और उसमें इफेक्ट एनिमेशन लग जाए तो जब तो और ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो मेल बंडल तो आपने देख लिया, फीमेल का बंडल भी देख लो भाई, फीमेल का बंडल भी ठीक ठाक है, अपना अपनी जगह ठीक है। और फिर निकल के आते हैं गाइस इस थीम में आने वाले लूट बॉक्स के स्किन, स्केटबोर्ड के स्किन, बैकपैक के स्किन, जो कि भाई एकदम गजर लग रही है, ठीक है। यार स्काई ब्लू कलर जो होता है ना भाई उसमें एनिमेशन ठोक लो इफेक्ट ठोक लो अलग ही लगते हैं गाइस, जैसे इस थीम पे बेस्ड या आइटम्स है। तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इस थीम पे बेस्ड आइटम में कैसे लगे, आपको पसंद आया नहीं। तो जैसे ये फ्री फायर की 5th एनिवर्सरी का कोलैबोरेशन इवेंट खत्म होगा, उसी के बाद से गए यहाँ पर इंडिया सर्वर में इस थीम का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 से 6 दिन चलेगा। मतलब एक ही वेब इवेंट के अंदर ये सारे आइटम जो मैंने आपको दिखाए आ जाएंगे, जैसे बर्निंग लिली थीम के साथ हुआ था, तो उसका एक वेब इवेंट आया था उसी वेब इवेंट के अंदर वो सारे आइटम आ गए थे। तो सेम गाइज यहाँ पे होने वाला है, तो थोड़ा वेट करो एंड बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इसके आइटम अच्छे लगे या नहीं। तो चलिए गाइज बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बहुत बंदे कह रहे थे कि अपने इंडिया सर्वर में EVMP कब रिटर्न आने वाली है, उसकी भी कंफर्म रिटर्न डेट बता दो। गाइज देखो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, जितनी भी अपने इंडिया सर्वर में फ्री फायर में ईवीओ गन्स है ना यार, उन सब का रिटर्न आने के लिए नंबर लग चुका है। अभी आपने ड्रैको एक रिटर्न देखी, उसके बाद में फिर अपनी ईवीओ का रिटर्न आई, और अब अपनी जो है कोबरा MP40 रिटर्न आने वाली है, उसके बाद में अपनी EVM10 रिटर्न आएगी, EVM10 के बाद में गए हमें EVO UMP रिटर्न देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर कोई और ईवीओ गन आएगी, ठीक है। तो गाइज अपनी जो EVM UMP है ना यार वो भी रिटर्न आएगी, लेकिन वो आपको सेप्टेम्बर के लास्ट में कर रिटर्न में देखने को मिलेगी, और उसके साथ में अपना जो EVO BRD बंडल है ना वो भी रिटर्न में देखने को मिलेगा अपने उसी इवेंट में जिसमें वो आया था असेसर रॉयल, ठीक है। और अपने EVO UMP उसी इवेंट में रिटर्न आएगी जिसमें वो आई थी फेरेट व्हील इवेंट। बाकी जैसे कोई और न्यूज़ निकल के आती है अपने EVO UMP रिटर्न की तरफ से, BRD बंडल रिटर्न की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें, जैसे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चले गए जब बात कर लेते हैं अपने EVM10 गन स्किन की कन्फर्म रिटर्न डेट के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। गाइस देखो मैंने आपसे पहले कहा था यार EVM10 आने से पहले अपनी कोबरा MP40 रिटर्न आएगी, और जो अपनी कोबरा MP40 है गाइस वो हमें सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर रिटर्न में देखने को मिल जाएगी। तो सीधी बात है कि जो अपनी EVM10 गन स्किन है वो यार हमें 20 सितंबर तक इजीली रिटर्न में देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको यार 20 सितंबर तक वेट करना है, और अगर फ्री फायर चाहिए तो यार 10 सितंबर तक इजीली रिटर्न में डाल सकते हैं, लेकिन कोबरा MP40 तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आएगी, तो भाई इतनी जल्दी डाल के कुछ फायदा भी नहीं है। और वैसे भी आप सभी को पता है हैशटैग जेट्री फॉर इंडिया सर्वर चल रहा है, तो वैसे यार इंडिया सर्वर वाले टॉपअप बहुत कम कर रहे हैं, और जब ये इतनी जल्दी जल्दी इवेंट्स लाएंगे तो भाई कौन निकाल रहा है इतने जल्दी सारे इवेंट्स को आइटम्स को, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत तो गैप देंगे ना। अब जब कोबरा MP40 फर्स्ट वीक तक आ जाएगी तो 10 या 15 दिन का गैप होगा, उसके बाद अपनी EVM10 भी इजीली रिटर्न आ जाएगी। और फिर और भी तो ईवो गन रिटर्न लानी है, तो समझ सकते हो गाइस इस महीने में मतलब सितंबर के महीने में आपको 2 ईवीओ गन्स के रिटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आया। सो वीडियो को जल्द से जरूर से लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।